विकास की तस्वीर लेख जीआईटी को धमकियों के समाथ आज होगी जीआईटी के हुसैन नवाज की तस्वीर लेख होने की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करने वालों से भी तहकीकात की गई। वजीर आजम नवाज शरीफ एक रोजा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सऊदी क्यादत से मुलाकात करेंगे। खलीजी मुल्कों की हालिया तनाव पर बातचीत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, वजीर आजम की तलबी पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पहली दफा एक वजीर आजम को कानून के कटहरे में लाया गया। तहकीकात तक वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जीआईटी के सरबराह वाजिद जिया के ग्रेड 22 में तरक्की का इम्कान। वाजिद जिया ने 1 नवंबर 1988 को सिविल सर्विस का आगाज किया और इस वक्त ग्रेड 21 में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तहकीकात टीवी ने खबर 7 जून को ही ब्रेक कर दी थी। कतर में पाक फौज तैनाती से मुतल्लिक इत्तला'आत मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं, कतर में पाकिस्तानी फौज की तैनाती से मुतल्लिक बयानात गलतफहमी पैदा करने के लिए फैलाई जा रही हैं। भारत आज 11 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करेगा। फैसला अस्ताना में वजीर आजम नवाज शरीफ और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रस्मी मुलाकात के बाद किया गया। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई। 6 किलो आइस हेरोइन जब्त करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों मियां बीवी लाहौर से जद्दा जा रहे थे। मजीद तफ्तीश जारी। कतर की अरब ममालिक की जानिब से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाने पर तनकीद। खित्ते में बढ़तरी की पॉलिसी करार दे दिया। कतरी वजीर खारजा के मशीर कहते हैं, खलीजी ममालिक की ये पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस के रहनुमा संदीप ने भारतीय आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा करार दे दिया। कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत सड़क के गुंडे की तरह बयानबाजी करते हैं। ट्रंप की अहलिया और बेटा 5 माह बाद व्हाइट हाउस मुंतकिल। मेलानिया ने अपने बेटे बैरून ट्रंप की तालीम की वजह से न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में ही रहने का फैसला किया था। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेमीफाइनल से कभी सेमीफाइनल। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटवाएगी। शिकस्त खाने वाली टीम घर को जाएगी। और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी की टारगेट किलिंग को एक वर्ष बीत गया। पहली बरसी के मौका पर उनके घर 3 बजे कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। अहले खाना और अकीदतमंद अमजद साबरी के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाएंगी। अस्सलामु अलैकुम, तहलका न्यूज़ के साथ मैं हूँ नुसरत खलील। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।